अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं शामिया। इसके लिए हमको 1 किलो गोश्त, 1 कट्टा पुदीना, 1 कट्टा कोथमीर, 15-20 ग्रीन चिल्ली, 4 प्याज और 1 बाउल चने की दाल। फर्स्ट कुकर में गोश्त डाल लीजिए। इसमें 3 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 स्पून हल्दी, 1 स्पून नमक और दाल डाल दें। उसके बाद उसमें प्याज, लाल मिर्च पाउडर डाल दें 2 स्पून के बाद हरा मसाला उसमें डाल दीजिए। अब इसमें डालिए 3 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद उसका लिड लगाकर सीटी लेने के लिए छोड़ दीजिए। 5 विजिल के बाद ओपन करके चेक करिए। चेक करने के लिए उसको थोड़ा सा प्रेस कर देखिए। गल गया हो तो उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद उसको मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। पीस कर अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट लेकर थोड़ा सा ऑयल लगाकर अपने हिसाब से शेप्स रेडी कर लीजिए। कढ़ाई या पैन लेकर उसमें ऑयल डाल दें। थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें शामिया डाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए तलने दीजिए। उसके बाद टर्न करिए। गार्निश करने के लिए आप कोथमीर, पुदीना या प्याज या नींबू का इस्तेमाल करके गार्निश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।